तुम अपने हो तो जमाना अपना है, अपने तो अपना बेगाना अपना है। तुम अपने हो तो जमाना अपना है, अपने तो अपने बेगाना अपना है। हर सूरत में सतगुरु आप दिखते हो, हर सूरत में सतगुरु आप दिखते हो। जब से हर इंसान को माना अपना है, तुम अपने हो तो जमाना अपना है, अपने तो अपने बेगाना अपना है। अपने तो अपने बेगाना अपना है। एक इशारों से दिलों को जोड़ डाला है, प्यार की राहों पे हमको मोड़ डाला है। एक इशारों से दिलों को जोड़ डाला है, प्यार की राहों पे हमको मोड़ डाला है। हर भक्त गुरु जी आपका करता शुक्राना, नम्रता और प्यार क्या है आपसे जाना। हर भक्त गुरु जी आपका करता शुक्राना, नम्रता और प्यार क्या है आपसे जाना। आपने अपना जो हमको माना है, अपने तो अपने बेगाना अपना है। तुम अपने हो तो जमाना अपना है, अपने तो अपने बेगाना अपना है। राग द्वेष हिंसा की उन दरारों को आपने समतल किया, ढाकर दीवारों को। राग द्वेष हिंसा की उन दरारों को आपने समतल किया, ढाकर दीवारों को। बैर और नफरत के सब जोड़ के धंधे, एक दूजे के करीब आए हैं सब बंदे। बैर और नफरत के सब छोड़ के धंधे, एक दूजे के करीब आए हैं सब बंदे। एक है हम एक निशाना अपना है, एक है हम एक निशाना अपना है। अपने तो अपने बेगाना अपना है, तुम अपने हो तो जमाना अपना है, अपने तो अपने बेगाना अपना है। आपने अपना जो समझा तुम जमाने को, आ गई दुनिया तुम्हें अपना बनाने को। आपने अपना जो समझा तुम जमाने को, आ गई दुनिया तुम्हें अपना बनाने को। सब भक्तों के दिलों में किया उजाला है, आपने हमको अंधेरों से निकाला है। सब भक्तों के दिलों में किया उजाला है, आपने हमको अंधेरों से निकाला है। सच्चा होठों पर तराना अपना है, सच्चा होठों पर तराना अपना है। अपने तो अपने बेगाना अपना है, तुम अपने हो तो जमाना अपना है, अपने तो अपने बेगाना अपना है। तुम अपने हो तो जमाना अपना है, अपने तो अपने बेगाना अपना है। कल
मोबाइल वाला हमको भेज देना बेटे, तो निकल गए था। अच्छा ठीक, यस अच्छा। नहीं है ना बिन भैया, नहीं है ना रवि पढ़ो। इस तरह हमारा संदेह का मन होता है। जय सतगुरु की मासी। जय सतगुरु। अभी मासी जैसे आप बैठी हैं तो पीछे कैमरा कुछ ऐसा है कि कैमरा से पीछे की जो फोटो है वो आ नहीं रही है साफ। ठीक है मासी, ये तो अभी मैंने बोल दिया। वैसे एक बार की बात बताता हूँ, करीब एक हफ्ते पहले की बात है। वैसे गुरुजी कहते थे जो अच्छी चीज़ हो उसको तुरंत करना चाहिए और जो ख़राब चीज़ उसको टालना चाहिए। गुरुजी कहते थे जैसे महिमा एक अच्छी चीज़ है तो महिमा को तुरंत बोल देना चाहिए। जैसे उस दिन भी बात हो रही थी ओपीडी और इमरजेंसी, तो इमरजेंसी में भी आकर महिमा बोल देनी चाहिए। जैसे ज्ञान लगता है कहीं कट ना जाए, कहीं फ्लो में ना हो जाए, तो जब हम महिमा नहीं गाते हैं तो मासी ऐसी बात हो जाती है जैसे अभी आप बैठी हैं। नहीं तो स्वतः ही सब कुछ सही होता है। अभी कुछ दिन हफ्ते भर पहले की मासी बात ही बताते हैं, यही बात थी कि एकदम से आपका नेटवर्क चला गया। उसके बाद जब नेटवर्क आया तो ऐसे ही कैमरा थोड़ा डिसलोकेट हो गया था, और आप चूँकि ज्ञान पहले से बोल नहीं थी उसी फ्लो में आपने बोलना कंटिन्यूएशन में रखा, तो मैं बोल नहीं पाया क्योंकि ऑन रिकॉर्ड है, ये सब चीज़ें सब रिकॉर्ड हो रही हैं मासी। तो थोड़ा सा है ना एंगल परफेक्ट होना चाहिए। तो हमने कहा कि मैं ही मन बनाता हूँ, मैंने आंखें बंद कर ली मासी और सर झुका लिया। मैंने कहा नहीं ठीक है, मतलब बोलेंगे नहीं, ज्ञान कट जाएगा, ज्ञान बड़ा अच्छा चल रहा था। फिर उसके बाद कुछ देर बाद आपका स्पीकर में कुछ प्रॉब्लम आई, आवाज़ आपकी इको करने लगी। तब आप ही ने कहा सामने किसी से कि इधर देखो क्या है। तो अंकुर भैया ने देखा और शायद उसको 10 ही मिनट हुआ था, उसी बाद इको आई और उन्होंने कुछ करा तो कैमरा प्रॉपर हो गया, फिर पीछे वो फ़ोटो दिखने लगी। तो वो उस दिन था कि ये सच में महिमा है कि आपने कुछ नहीं बोला, आपने ज्ञान को काटा नहीं, आपने सत्य सत्य अंदर रखा उस चीज़ को और वो दिखा आपको 10 मिनट के अंदर, मतलब आँखें खुली और चीज़ दिख गई। तो ये महिमा बोलनी चाहिए मासी, हमने नहीं बोली इसलिए क्या हुआ मासी, अभी 3-4 बार ऐसा हुआ है, परसों भी हुआ, नरसों भी हुआ, फ्रिक्वेंटली मैं ऐसा देख रहा हूँ कि ऐसे पीछे छुप जाती है। तो हमने गलती अपनी मानी, हमने कहा इस महिमा को बोलना चाहिए क्योंकि दिखा था कि देखो तत्व से कैसे वो चीज़ हो जाती है जो आप फुरना मन में उठता है, जो मन में आप सोचते हैं। जय सतगुरु। गुरु चाहे तो काल को भी हटाकर फेंक दे, तुम मानो। गुरु जब तक संकल्प नहीं करेगा तब तक उसके पास काल भी नहीं आ पाएगा। गुरु का ऐसा योग बल होता है। काल भी बड़ा चालाक है, बिल्ली की तरह छिप कर आता है। जो बूढ़ा हो और प्यार से ज्ञान सुनता हो तो उसको हम जल्दी मरने नहीं देते। शंकर को जब पार्वती छोड़कर चली गई चिता में, तो शंकर इसलिए नहीं रोते थे कि उसकी पार्वती चली गई, अब कौन उसका मनोरंजन करेगा, बल्कि यह वह इसलिए रोते थे कि अब राम की गाथा कौन सुनाएगा। तुम लोग तो अपनी बुद्धि से कहते हो कि शंकर भी तो अपनी स्त्री को छोड़कर रोए। लोग तीर्थ करने जाते हैं, कहते हैं कि ये छोड़ा वह छोड़ा, पर छोड़ते कहाँ हैं। हम दिन रात रगड़ करते हैं, ज्ञान में रहते हैं, तब तो विकार जाते नहीं, ये 1 मिनट में छोड़ा है। हमारी सास ने कहा कि हम बद्रीनाथ में जाकर क्रोध छोड़ा है, तो हमको बहुत आश्चर्य हुआ कि हम तो दिन रात ज्ञान में रहते हैं तब तो क्रोध जाता नहीं, भले ही कम हो गया हो, तो इन्होंने कैसे 1 मिनट में छोड़ दिया। हरिनाम बड़ा सुखदाई, ना लागे पैसा पाई। हरिनाम में तो गुड़ है ही, राखे राम तो मारे कौन, मारे राम तो राखे कौन, अतः तुम निश्चिंत रहो। जो छोटे दायरे में रहता है वह उसी का काम करता है, पर जब वह बड़े दायरे में आ जाता है तो तुम बोलो कि जज तो है पर घर का काम भी करे तो वह कैसे करेगा। वैसे ही हम अब ज्ञान के दायरे में जो कि बहुत बड़ा है चले गए हैं, तो छोटा मोटा काम कैसे करें। इसीलिए हमारे जितने कर्तव्य कर्म हैं सत्संग से पहले ही करके आते हैं। देखो यहाँ आकर हम ज्ञान में इतने लीन हो जाते हैं कि फिर यहाँ से जाकर काम ही नहीं कर पाते। तुम यह ना समझना कि हम घर के काम नहीं करते, हाँ समय देकर जल्दी जल्दी कर लेते हैं। जब भगवान में मन लगता है तो सबका कल्याण होता है। हम भी जब ज्ञान में जाते थे तो बहुत कष्ट उठाते थे, पसीना बहाते थे। तो देखो आज मारा मारी होती है कि हम अपनी स्कूटर पर बैठाएं, कोई कहता है हम अपनी। पूर्ण भगवत भाव के बिना काम नहीं होता। भगवान न्याय वाले हैं, न्याय में होगा भगवान भी उसका साथ देता है।
भगवान न्याय वाले हैं, न्याय में होगा तो भगवान भी उसका साथ देता है। गीता भी सत्य न्याय पर बनी हुई है। कैसी भी महफिल हो, भगवान को महफिल में आराम नहीं आता। गुरु के बिना वह भगवत प्रेम में नहीं आ पाता। तुम हमको महफिल में मत बुलाओ। देखो, हम शादी में भी मजबूरन जाते हैं क्योंकि भक्त हमारा ध्यान लगाए रहता है। हम जाना नहीं चाहते हुए भी चले जाते हैं। तड़प के बिना हम नहीं आते, चाहे साकार में आए चाहे सपने में। जैसी भगवान की इच्छा होती है वैसा ही होता है। हृदय का लगाव जिसका मुझसे होता है, वह मेरे ना चाहते हुए भी मुझसे काम करा लेता है। प्रभु जी का ऐसा ही लगाव है मुझसे, वह मुझको छोड़ता ही नहीं। आज पूज्य गुरु जी का पदार्पण सत्संग में नहीं हुआ, अतः हम लोग गुरु दर्शन से वंचित रह गए। इसमें भी हमारा दोष है। भक्त भगवान के दर्शन को आतुर हो और भगवान ना आए, ऐसा नहीं हो सकता। गुरु जी सच ही कहते हैं कि प्रभु का दर्शन तभी नहीं होता जब भक्त के मन में विकार होते हैं। अतः हम सबको प्रभु के दर्शन की तड़प को और अधिक बढ़ाना चाहिए। यही सोचना चाहिए कि ऐसी भक्ति बढ़ाएं कि प्रभु दर्शन देने को विवश हो जाए। भक्त वत्सल भगवान को कहते हैं, यह अकाट्य सत्य है। पर हम हर समय भक्त नहीं होते। हमारा मन कभी तो पूर्ण भक्ति में होता है तो कभी पूर्ण अभक्त बन जाता है। यह कैसी भक्ति, यह नशा कैसा कि कभी चढ़े कभी उतरे। भगवान का नशा हमको ऐसा होना चाहिए कि जो कभी ना उतरे। गुरु जी कहते हैं कि नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिल में। गुरु इसी नाम में मस्त रहता है, उसी भगवत नशे में डूबा रहता है, तभी हमको ज्ञान देता है। मनुष्य खुद देह में होता है तो गुरु को भी देह में समझता है, तभी गुरु के भगवान होने में शंका करते हैं। मनुष्य खुद देह में होते हैं तो गुरु को भी देह में समझते हैं, तभी गुरु के भगवान होने में शंका करते हैं। अर्जुन भी श्री कृष्ण को देह में देखकर चिंता करता रहा, पर जब कृष्ण ने कहा कि तू खुद ही परमात्मा स्वरूप है, तब अर्जुन ने अपने को पहचाना, तभी वह कृष्ण को भी भगवान पहचान कर नमस्कार करता है। सत्य केवल आत्मा है। लोग खुद उपाधि में रहते हैं तो हमको भी उपाधि में देखते हैं। गुरु को निराकार निरंजन माने तो ही अच्छा है। तुम पत्थर को तो देवी देवता मानते हो जो तुम्हारा विकार नाश नहीं करता। तुम्हारा मन तो रोज महिषासुर की तरह रूप दिखाता है। गुरु तुम्हारे मन का मर्दन करता है तो तुम गुरु को भगवान नहीं मानते। जगत की दशा ऐसी है कि ठीक करते करते आदमी बूढ़ा हो जाता है, पर जगत की हालत नहीं सुधरती। संतोषी माता का व्रत करते हो पर क्या संतोष तुमको मिला? तुम खुद को भी वही भगवत स्वरूप मानोगे तभी तुम गुरु को भी पहचानोगे कि वह साक्षात भगवान है। हमने अपने को पहचान लिया है, तुम अपने को नहीं पहचान पाए हो। तुमको तुम्हारी माँ ने नाम रूप बताया, तुम वह सत्य मान गए, पर गुरु कहता है कि तू आत्मा है, आनंद स्वरूप है, पर तू मानता नहीं। अरे तू खुद भगवान है। नाम रूप का अभ्यास पक्का हो जाने के कारण तू अपने को नहीं पहचान पा रहा है। हमने अपने को पहचान लिया है, अतः अगर हम अपने को भगवान कहते हैं तो क्या गलत है? जो एक परमात्मा को जान लेता है उसका सारा काम अपने आप होता है। उसको सोचना नहीं पड़ता कि क्या करें क्या ना करें। संत की महिमा वेद न जानी। कहते हैं संतों के ऊपर सब छोड़ दो तो खुद जब संत का सब काम करेगा तो तुम्हारा अच्छा होगा। तुम कहते हो हमने यह नहीं किया वह नहीं किया, पर हम परमात्मा के सहारे पर रहते हैं। हम तो हमारा सब काम परमात्मा करता है, उसके हाथ से जो होगा वह अच्छा होगा। कल मासी आखिरी बुद्ध का सत्संग है और अभी तक वीडियो नहीं बना है। कल जो टेलीकास्ट होना है, मतलब मैं बता रहा हूँ वही, मतलब मक्कारी बता रहा हूँ मासी, जो सच्चाई है। आखिरी बुद्ध देखिए पिछले महीने हुआ था, उसके बाद से पूरा महीना मिला है। और जो ये पढ़ाई के टाइम की आदत है ना, हर चीज़ 11th आवर पर करनी है कि अभी कल सुबह होना है 8 बजे तो हम रात में 12 बजे बनेगा, बना देंगे गुरु जी बनाएंगे। हाँ अच्छा ही होगा, बहुत बढ़िया होगा, विश्वास है। लेकिन कहाँ बिजी रहते हैं कोई ये नहीं समझ में आता मासी, कि ये सबसे प्रायोरिटी का काम है कि वहाँ से सत्संग से निकलो आखिरी बुद्ध में, उसी दिन बना लो, ताकि मतलब सुकून से बैठो, आराम से सेव करके रखो, जब होगा उसको ओपन कर दो। लेकिन यही बात हम बीच में इतनी बार सोच रहे थे, इतनी बार सोच रहे थे, अभी तक देखिए नहीं करा। और यही लिखा है ना कि वैसे गुरु जी भी कहते थे कि भगवान का भगवान करता है, हमारा कोई करता भाव नहीं है, बस वही करेगा उसे। लेकिन इज्जत है ना, लाज उसी की है, इज्जत वही बचाएगा अपनी, हम क्या करेंगे मासी। लेकिन होगा तो बढ़िया, ज़बरदस्त रहेगा। वही इसमें लिखा भी है, यही चीज़ पढ़ रहे थे अभी।
संत की महिमा वेद न जानी, कहते हैं कि संतों के ऊपर सब छोड़ दो, तो खुद जब संत सब काम करेगा तो तुम्हारा अच्छा होगा। तुम कहते हो कि हमने यह नहीं किया वह नहीं किया, पर हम परमात्मा के सहारे पर रहते हैं तो हमारा सब काम परमात्मा करता है, उसके हाथ से जो होगा वह अच्छा होगा। जैसे जब गुरु मिलता है तो हमसे अनायास भजन करा लेता है। तुम भजन करने वाले नहीं थे, तुमको कोई ज़बरदस्ती यहाँ ले आया, तो गुरु की नज़र में कैद हो जाते हैं। ज़बरदस्ती गुरु ने तुमको ख़राब कर दिया। यह कितने भाग्य की बात है कि जब भगवत भाव में आता है फिर वह गुरु के कर्म को नहीं देखता है। तुम मिश्री को सफ़ेद मानकर शुद्ध समझकर खाते हो, पर वह जिस गुड़ से बनती है उसमें कितनी मक्खियाँ लगती हैं उसको क्या तुमने कभी देखा है? तुम तो समझते हो कि यह सफ़ेद कपड़ा पहनता है इसी को ज्ञान है, पर उनके अंदर तो पता चलेगा कि उनके दोष। हम तो हर तरह का कपड़ा पहनते हैं खाते हैं, पर तुमको ज्ञान देते हैं। तुम बाहरी बातों से प्रभावित होते हो। तुम साधु को ही महान समझते हो, पर हम गृहस्थी वाले कितने कष्ट सहते हैं फिर भी ज्ञान का चिंतन करते हैं, ज्ञान देते हैं। तुम्हारा मन भूत है, मन भूत को संकल्प द्वारा गुरु को दे दो, भगवान अपने योग बल से तुम्हारी रक्षा करता है। अर्जुन का जला हुआ रथ भी इसीलिए चल रहा था क्योंकि भगवान उसके रथ पर चक्र लेकर बैठे थे। जब भगवान सामने आता है तब मनुष्य नहीं मानता, जब वह चला जाता है तब उसकी महिमा गाते हैं। क्राइस्ट को कितना कष्ट दिया गया तब उसकी पूजा नहीं की गई, जब वह चला गया तब उसकी महिमा गाते हैं। मीरा जब जिंदा थी तब गाली देते थे उसे, जब चली गई तो उसके भजन गाते हैं। कृष्ण रास लीला करते थे तो उसको उस समय गाली देते थे लोग और भगवान नहीं मानते थे। आज उसी कृष्ण की झांकी हर वर्ष सजाते हैं। कितने मूर्ख लोग हैं। किसी श्री संत परमात्मा को चैन से जीने नहीं देते, और जब वह चला जाता है तो उसकी पूजा करते हैं। आज जो तुमको बना रहा है, तुम्हारे हृदय में जो भूत भरे हैं उनको निकाल रहा है, उसको तो मानते नहीं। पुराने राम कृष्ण देवी को मानते हो। तुम्हारे भूत पिशाच अगर पूजा से गए हो तो पूजा करो, नहीं तो पूजा छोड़ो। पहले परमात्मा की नींव डालो। जैसे अर्जुन के अंदर कृष्ण ने भगवान की नींव डाली, उसी नींव पर पूरी मंजिल परमात्म भाव की तैयार हो गई। जब तक महाभारत खत्म हुई तब तक अर्जुन की परमात्मा की मंजिल तैयार हो गई। जब तक हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आता तब तक हमारी पूजा अर्चना व्यर्थ है। ब्रह्मा विष्णु महेश सभी हैं, परंतु तुम्हारे मन भूत को तो किसी ने नहीं मारा। जो हालत पर आराम दिला दे वही भगवान है। आज तक कितने अखंडानंद का ज्ञान सुना, 1008 1020 सबका, पर आराम नहीं आया। पर जब गुरु मिला तब मन ठीक हुआ, जब सद्गुरु का दर्शन हुआ तब मन शांत हुआ। दर्शन होवे साधु के साहब आवे याद। जिसने हमारा मन स्थिर किया, जिसने हमारे चंचल मन में हरी मूर्ति ठहराई, वह भगवान है, पूरा भगवान है। जब कोई तुमसे पूछता है कि तुम्हारा भगवान कहाँ है, तो तुम अपने गुरु को भगवान ठीक से नहीं बता पाते। तुमको जो अनुभव हुआ है वही बताना है, अपनी तरफ से कुछ बढ़ा चढ़ा कर नहीं बोलना है। तुम मूर्ख हो, भगवान का जन्मदिन मनाते हो। अरे वह ना जन्मता है ना मरता है, तो क्या जन्मदिन मनाना। तुम कहते हो इंसान भगवान, बस ये बात आई। तुम मूर्ख हो, भगवान का जन्मदिन मनाते हो। ये बात मेरे मन में प्रश्न अभी कुछ दिन पहले आ रहा था, दीदी ने जब बोला था ना कि बर्थडे आ रही गुरु जी की तो मनाओ करो कुछ ऐसा, तो हमने कहा मतलब नीरस थे जैसे। तो अब जब बर्थडे हो गई तब मुझे लगा कि मासी अभी तो गुरु प्रकट है ना, मासी शरीर नहीं है लेकिन वो बिल्कुल और अच्छी तरीके से व्यापक तरीके से विस्तारित रूप से वो दिख रहा है, मासी हर सेकंड दिख रहा है, हर सेकंड अब कहीं ना किसी किसी रूप में आकर हमारा काम कर रहा है, तो बर्थडे क्यों नहीं मनाया जाए। तत्व के रूप में वो है ना मासी, तो उसका जन्मदिन मनाओ। ये मासी उस दिन लगा कि नहीं जो कह रहा है सही कह रहा है, हाँ कहना है, इसमें कोई तर्क वर्क नहीं करना है, कोई बुद्धि नहीं चलानी कि कह रहे हो क्या करें, नहीं हाँ कह दो, क्योंकि और अच्छा और खुशियाँ मनानी चाहिए मासी। अभी तो और मतलब जैसे पहले गोमती नगर जा रहे थे भाई, मेहनत करनी पड़ रही थी उसको पकड़ने के लिए, वीडियो कॉल करनी पड़ रही, अगर गुरु जी दिल्ली में है तो वीडियो कॉल करनी पड़ रही थी, वीडियो कॉल से अपनी बात कह दें तो कहीं अनिष्ट ना हो जाए, है ना, ये बात बता दे किसी तबीयत ख़राब है। अभी तो कोई कहने की भी ज़रूरत नहीं है, अभी मतलब देखिए कितना समय बच गया, कितना समय बचा है, कितना इंस्ट्रूमेंट्स या कहने टेक्नोलॉजी कोई ज़रूरत नहीं मासी, सब अंदर टेक्नोलॉजी है बिल्कुल, बस
आपको कहने की भी जरूरत नहीं पड़ रही, उसके पहले वो कर रहा है मासी, ऐसे अनुभव हो रहे हैं मासी। ये हम कोई ऐसी बात नहीं ज्ञान की बात कह रहे हैं, ये हम बिल्कुल अनुभव की बात कह रहे हैं। वो इतना इतना और ज़्यादा मासी व्यापक हो गया, बिल्कुल इंस्टेंटली अवेलेबल है इसमें। तुम इसलिए कह रहे हो कि तुम जो है ना सामने भैया कर लेते थे फोन ऑन सब कुछ, हम लोग तो नहीं कर पाते थे, हम लोग तो दूर से ही दूर थे। सही बात, तो दूर प्रकट ही तो रहते थे, हर समय प्रकट करके ही रखते थे। तो ये चला गया है सब, ये है हमेशा ही है वो। सही बात, और पाया है जिससे तो स्वाभाविक उसका ये मन करता है कुछ करने का, स्वाभाविक है। जैसे अपने पिता के लिए, अपने अपने गुरु जिसने सभी कुछ दिया, तो स्वाभाविक मन करता है और सब अपने आप होता है। वैसे अगर कहो तो सच्चाई है, हर दिन ही उसका जन्म है, जब जब हम उसे प्रकट करते हैं। तो ज्ञान के पॉइंट से अगर देखो, ज्ञान की दृष्टि से, तो हर दिन ही हम उसका जन्म मनाते हैं, हर पल मनाते हैं, जब जब उसको हम जिंदा करते हैं अपने जीवन में, तभी हम उसका जन्मदिन मना रहे हैं। जहाँ हम अपने स्वयं को जिंदा रखें, वहां पे हम थोड़ा ना उसका जन्मदिन मना रहे हैं। उसका जन्म तो हर दिन होता है, हर पल होता है। ये सब बाहर की बात है, बाहर जो हो जाए खेल में पता नहीं क्या होता है क्या, अंदर बस। तभी तो माता जी ने कहा शक्ति नगर में कहा बच्चों को टॉफी मिलेगी, जो बच्चे लोग हैं। माता जी तुरंत बच्चा बन गई, वही अभी तो हम बच्चे। मैं सही कोई नहीं बता रही, जब प्रकट कर लो बच्चा ही सब जगह दिखता है। बुद्धि की है क्या करना क्या नहीं, ये सब यहाँ पर थकान वाली बात, अन्यथा जो अपने आप ही होता है सब। तुम कहते हो इंसान भगवान नहीं हो सकता, अरे हम कहते हैं इंसान ही भगवान होता है, क्योंकि अगर भगवान साकार बनकर ना आए तो तुम्हारे मन भूत को कौन मारेगा। जब भगवान इंसान रूप में आया तब लाखों जीवों का उसने उद्धार किया, जब राम साकार रूप में आया कितनों का उद्धार किया, कृष्ण के रूप में आया तो बहुतेरों का उद्धार किया, क्राइस्ट के रूप में आया तो उसने भाग भाग कर लोगों का कल्याण किया। इन संतों ने अपना चैन आराम कुछ नहीं देखा, वे सबका कल्याण करते रहे। डॉक्टर इस तरह का जीवन का अनुभव कि कैसे गुरु जी भागवत के सब पर रहा, कैसे संत सब सभी को देख लो, चाहे नानी चाहे सबको देखता, सभी भागवत के कैसे ना दूसरों के दुख दूर करने के लिए कष्ट जरा सब सुन ले तो बस भाग गया दूर करना। तो ये कहानियां अब नहीं लगती है, तो सब अनुभव लगता है कि हाँ सब अनुभव में ऐसे ही होते हैं, भगवान ऐसे ही होते हैं, संत ऐसे ही होते हैं, देवता सब समझ में आता है। डॉक्टर इस तरह का होगा तभी तुम्हारी बीमारी निकालेगा, चेतन भगवान ही तुम्हारे अंदर निराकार निरंजन की स्थापना करके खुद फिर चला जाता है। क्या बात है, तुम एक ऐसा प्रश्न छोड़ो कि उसी पर ज्ञान चल जाए, जल्दी जल्दी ज्ञान लो चले जाओ। हम कहते हैं कि तुम भी भगवान हो, इस पर रिसर्च करो। जब तुम खुद को आत्मा जानोगे तो तुमको पता चल जाएगा कि तुम्हारा भी वही स्वरूप है। हम पूछते हैं घर में सत्संग होता है या मन में, सत्संग मन में होता है, श्रद्धा में सत्संग होता है। हम कमरे में आराम से, वह कमरे में आराम से नहीं होता, हम तो पैरे में भी सत्संग करते हैं। तुम सत्संग बातों से करते हो, सत्संग प्यार से होता है। तुम में सत्संग के लिए प्यास हो तो हम खुद बिना बुलाए चले आते हैं। सत्संग स्वार्थ से नहीं होता, सत्संग नज़रों से होता है। बुलाने से पहले सोचो कि तुम्हारी नज़रें सत्संग के लिए बिछी हैं। प्यास होगी तो तुमको सत्संग के लिए बुलाना नहीं पड़ेगा। तुम कहते हो कि हम बुलाते हैं, भगवान हमारे घर सत्संग नहीं करते। अरे पहले अपने दिल से पूछो कि क्या तुमको सत्संग की उतनी प्यास है। हमारा सत्संग कोई बोझा नहीं है, हम हल्के हैं, चिड़िया की तरह मर्जी हो हम इकट्ठा हो जाएं, मर्जी हो हम अलग अलग हो जाएं। हमने सब फ्री रखा है, हमारे यहाँ कोई बंधन नहीं है। मन हो तो आओ और मन ना हो तो ना हो, ऐसा सत्संग आराम वाला है हमारा। भजन मकान से नहीं होता,
तुम बोलोगे कि हमारा बड़ा हॉल है, आ जाओ, पर हम मौजी राम हैं, मन होगा तो छोटे कमरे में भी सत्संग कर लेंगे। दिल का हाल बड़ा होना चाहिए। तुम लोग हमको क्या भूखे समझते हो? हम आते हैं सत्संग कर रहे हैं, तुम हलवा पूड़ी बनाते हो। हमको ऐसा खाना पीना नहीं चाहिए, खाना पीना बंद कर दो, ऐसे में सत्संग नहीं होता, खाली खाना पीना रह जाता है। हमको अब किसी का खाना चाय नहीं चाहिए, माला रोज़ पहनाते हो, खाना रोज़ खिलाते हो, हमको बिल्कुल पसंद नहीं, बिल्कुल पसंद नहीं। हाँ, खाली पानी पिला दो। तुम घर घर में बुलाते हो, खाने का झंझट करते हो, तुम खाली ज्ञान सुनने के लिए बुलाओ तो अच्छा होगा। ज्ञान के बीच में खटरबट हमको बिल्कुल पसंद नहीं, जहाँ सत्संग खत्म हो जाता है। अब यह वादा करो कि तुम कुछ भी नहीं बनाओगी तो हम सत्संग में आएंगे, कुछ भी खाने पीने का झंझट करोगी तो हम खुद नहीं आएंगे। जब गुरु को चप्पल फाड़ फाड़ कर ढूंढते हैं तब गुरु की कदर होती है। शादी के लिए जैसे भटक भटक का लड़का मिलता है तब उसकी कदर होती है, इसी तरह गुरु की भी कदर होनी चाहिए। गुरु से भय होना चाहिए, जब इतना डर होगा तभी मन सीधा होगा। मन रावण है, रावण की तरह खड़ा हो जाता है। सच मनुष्य को आना ही पड़ेगा, भले ही भाग जाए पर एक बार देखने के बाद वह फिर कहीं नहीं जा पाएगा। संतों की आंख ऊपर ही होती है, आंख ऊपर होने का अर्थ है वृत्ति परमात्मा में होना। संतों की आंख ऊपर ही होती है, इसलिए तुम आंख ऊपर ही रखो। तुम प्रसाद ना बनाओ, हमारा प्रसाद परमात्मा लाता है। जिसके घर में सत्संग हो वह प्रसाद ना बनाए, जहाँ हम खुद रहेंगे वहाँ खुद ही खुद प्रसाद आ जाता है। हम अन्नपूर्णा माता हैं, भगवान का प्रसाद खुद ही आता है, ना चूल्हा जलाया जाता है ना खाना बनाया जाता है, पर खाना आ जाता है। तुम बवाल मत करो, भगवान का प्रसाद भगवान खुद लाता है। आए तो खाओ, ना आए तो मत खाओ, चाय भी नहीं बनेगी। हमको ज़रूरत होगी तो हम खुद मांग लेंगे। हाँ, एक आदमी अपनी गलती मौन रहकर महसूस करो। करता धरता कुछ नहीं, खाली बड़बड़ाता है। मेरे पास भी मत आना, अगर तुमको बड़बड़ाना हो तो अपने घर रहो। हमसे भी ज़्यादा बात मत करो, हम हर समय परमात्मा में रहते हैं। तुम हमको संसार के कीचड़ में मत फंसाओ। भगवान का प्रेम जब अंदर आता है तो शांत हो जाओ। कितनी भी कठिनाई पड़े जीवन में फिर भी जो मनुष्य हंसता रहता है वही ज्ञानी है। जगत में तो कुछ ना कुछ अच्छा बुरा होता ही रहता है, पर हर हालत में शांति में रहना ही उचित है। हम लोग बचपन में झाबर खेलते थे, अब जिंदगी में झाबर खेलते हैं। जब मनुष्य अपने घर तन मन को ज़्यादा बनाकर भगवान को न्यून बनाता है तो कमी ही कमी होती है। जो भगवान को घर परिवार से ज़्यादा महत्व देता है उसको नफा ही नफा होता है। जब भी जिसको घाटा हुआ है उसने भगवान से ज़्यादा अपने परिवार को समझा होगा, महत्व दिया होगा। जो भगवान के लिए ही अपना त्याग करता है वह तो हमारा आधा हिस्सेदार हो जाता है। कौन हमको कितने प्यार से बुलाता है हम जानते हैं। जो हमको हृदय में बिठाए रखता है वहाँ हमको अपने तन का भी होश नहीं रहता, हम धूप में चले जाते हैं। घर के मामले में मुझको गुरु को नहीं डालना चाहिए, हम तो परिवार की बात नहीं बताते, हम परमात्मा के ध्यान में रहते हैं। हमको घर के पचड़ों में मत डालो, तुम अपनी बुद्धि से घर का जो फैसला हो निपटाओ, हमको बवाल में मत डालो। महाभारत इसी कारण हुआ क्योंकि उन लोगों ने भगवान को बीच में डाला, अतः घर के झगड़ों में भगवान को बीच में मत डालो। गुरु को झमेले में डालने वाला महामूर्ख होता है। घरेलू बातों में गुरु कभी भी नहीं पड़ेगा, तुम ज्ञान की बात करो। सबके दिलो दिमाग में हम ठंडक पहुँचाते हैं, तुम अपने घर का झमेला डालकर विघ्न मत डालो। मुझको फ्री छोड़ो, हम भजन करते हैं हमें भजन करने दो। हमने तुम्हारे मन में बुद्धि का जो दीपक जला दिया है उसी दीपक को लेकर घर का काम करो, समाज में गुरु को मत डालो। तुमको जब जोश क्रोध आए गुरु के पास कभी मत आना, नहीं तो बहुत घोर कष्ट आएगा। अभी तुमने गुरु को अपना बनाया ही नहीं है। जब तुम्हारा स्वभाव इतना ख़राब है कि झुकना नहीं जानते तो आगे कैसे निभेगी। आज घर में बेटे बेटी उल्टे चलते हैं, गुरु के घर सर नीचे करके जाना चाहिए। तुम घर में बैठे बैठे हमको गाली देते हो और बोलते हो कि गुरु हमको देता नहीं। अरे, गुरु के पास अपार भंडार है, तुम लेना नहीं जानते, तुम्हारा स्वभाव खराब है।
जब तुम नथिंग बनोगे तभी गुरु मिलना समझना, सदगुरु मिला तब जानिए जब मिटे मन की ताप। तुम अपना मन झुकाना सीखो, जब तक हर्ष शोक दूर नहीं हुआ तब तक जो भी गुरु किया बेकार है। गुरु हर्ष शोक से दूर करता है, जो प्रेम करता है उसको आराम मिलता है। तुम प्रेम सीखोगे तो जहाँ जाओगे आराम आएगा। तुम काम करने वालों को तो बहुत प्रेम की ज़रूरत है, तुम काम करने वालों को तो बहुत ज़रूरत है प्रेम का स्वभाव बनाने की। मर्दों को बस प्रेम और नम्रता सीखनी चाहिए। माता पिता ने क्या इसी दिन के लिए तुमको पाला पोसा, बड़ा किया कि तुम बड़े होकर परशुराम बन जाओ? अभी तुम भी देखना आगे, जब तुम्हारे ये बच्चे बड़े होकर तुम्हारे आगे अपना रूप दिखाएं, जो मिलता है उसी में शांति से रहो। जब तक गुरु चेले से फुटबॉल की तरह ना खेले तब तक अहंकार नहीं जाता। तुम पहले जलते थे जब हम तुम्हारे अहंकार पर चोट करते थे, पर देखो हम ही सही थे। हम किसी के साथ अन्याय नहीं करते, मन को गाली ना दे तो क्या पूजा करें? जो मन तुमको बार बार परेशान करता है उसको तो हम अवश्य मारेंगे। नेवले सांप की तरह हमारा तुम्हारा संबंध है। मेरे सामने तुम्हारा मन रूपी सांप आएगा तो हम तो उसको काट काट कर टुकड़े टुकड़े अवश्य करेंगे। सद्गुरु सत्य में ले जाता है तुमको, तुम मेरे कोई दुश्मन नहीं हो, हम तो तुम्हारे मन के दुश्मन हैं। तुम अपने इस मन को गुरु के चरणों में पटको और बोलो कि हे गुरु जी, मेरे मन को भस्म करो। गुरु तुम्हारे मन को अच्छा बनाएगा। तुमको ज़रा लोक लाज तो होनी चाहिए कि हम गलत चलेंगे तो दुनिया क्या कहेगी। तुम आज मियाँ बीबी लड़ते हो, बाहर के लोग सुनते हैं, फिर बाद में तुम एक हो जाते हो तो क्या तुम्हारी बदनामी नहीं होगी? तुम्हारा शुभ बाहर क्यों गया? भजन करने वालों को हमेशा शांति में रहना पड़ता है। तुम शोर करोगे तो सब यही कहेंगे कि देखो कैसा सत्संग करता है, कैसा सत्संगी है। आज देखो हम अपने सास ससुर बड़ों के नीचे दब कर रहे तो आज इस पदवी पर हैं। जो दबता है वह बाद में महान बनता है, रगड़ करने के बाद ही मनुष्य अच्छा बनता है। जो भी झंझट होता है बोलने से ही होता है। तुम मौन नहीं रहते, जिस घर में मौन नहीं है वहाँ शांति कभी नहीं हो सकती। बाहर से मौन रहो, अंदर भले ही जलो, पहले बाहर से ही चुप हो जाओ, बाद में सत्संग मिलेगा, अंदर से भी मन शांत हो जाएगा। तुम सब घर घर में बड़बड़ करते रहते हो। मन बोलता है मैं पापी हूँ, भगवान के पास कैसे जाऊँ? अरे अजामिल गढ़ का क्या पुण्यात्मा थे? भगवान में इतनी शक्ति है कि जो उसके सम्मुख रहता है उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। पापी से पापी भी भगवान तार देता है, क्योंकि उसका पश्चाताप तो होता है। पुण्यात्मा तो अहंकार में होता है, करने वाले को भी कर कर का अहंकार होता है। करके फिर आदमी सोचता है कि इतना किया पर यश नहीं मिला। अरे करके भगवान पर छोड़ो, अरे निष्काम हो जाओ, यह तो संसार है। कोई भी यश धन्यवाद नहीं देता। घर घर में यही होता है कि हमने इसके साथ इतना किया, इसने नहीं किया ना ही धन्यवाद दिया। अरे धन्यवाद की भी क्या इच्छा करना, इच्छा मात्र अविद्या। कहते हैं कि भिखारी न बनना, उस शहंशाह से ज्ञान ही मांगना। तुम तो जगत की वस्तु ही मांगते रहते हो। जो अपने सुख के लिए जीता है वह सुखी नहीं होता। अरे जनता के सुख के लिए जियो तो तुमको भी सुख मिलेगा ही। ज्ञान में तुम्हारी कितनी श्रद्धा है, ज्ञान से ही शांति मिलती है। तुम लाख गुरु बनाओ पर उससे ज्ञान ना लिया तो क्या फ़ायदा? सदगुरु मिला तब जानिए जब मिटे तन की ताप, सदगुरु मिला तब जानिए जब मिटे मन की ताप। जीव को तुम्हारे पांचों काम क्रोध मद लोभ अहंकार खा रहे थे और तुम बोलते थे कि हमने तो गुरु कर लिया, क्या फ़ायदा हुआ गुरु करने का तुम्हारे? भगवान राम ने भी बहुत मर्यादा की पर शांति नहीं मिली। उसके बाद उन्होंने जब वशिष्ठ जी से ज्ञान लिया तभी आराम आया। बिना गुरु किए शांति नहीं मिलती। कहते हैं कि हर्ष शोक व्यापे नहीं तब गुरु आपे आप। हमको कोई भगवान कहता है, कोई बुरा कहता है, पर हमारा क्या घटा? हमारा निश्चय ही हमारा भगवान है। तुम शब्द को मानते हो, हमने अपने को पहचान लिया है, हम उस ब्रह्म पद को पा चुके हैं, अतः मेरा स्वरूप भगवान है। अशब्दी ब्रह्म पद को पाए के ज्ञानी हुआ उपराम, अशब्दी ब्रह्म पद को पाए के योगी हुआ उपराम। तुम ये सोचो मैं अद्वैत ब्रह्म हूँ, जब तुम ये सोचोगे तो तुमको शब्द नहीं लगेगा। गुरु गुरु करना ठीक है पर मन को बदलो। तुम पहले के गुरु को आज भी नहीं समझता, समझता है कि गुरु छूट गया, पर गुरु कभी नहीं छूटता, वह अनेकों रूप धर कर आता है। तुम गुरु पहले करते रहते हो
पर वही गुरु आखिर तक नहीं रहता। पहली कक्षा का गुरु दसवीं कक्षा की पढ़ाई एमए की पढ़ाई नहीं करा पाएगा। जब तुम ऊंची क्लास के गुरु की याद करते हो कहते हो कि छूट गया, पर वही एक गुरु जीवन भर साथ रहता है, केवल रूप बदल जाता है। अब तुम ऊंची क्लास में हो तो कहो कि वही गुरु हमको उसी शरीर में आकर पढ़ाए, तो कैसे हो सकता है। तुम ज्ञान के द्वारा रोष और जोश को दूर करो, तुम मेरे ज्ञान का सहारा लेकर काम करो तो सफलता अवश्य मिलेगी। तुम गुरु के साथ रहकर मन की रगड़ करो, तब मन शांति में आ जाएगा और घर भर में शांति हो जाएगी। निराकार को साकार में निश्चय करना बड़ा कठिन है। परमात्मा परम प्लस आत्मा, तू आनंद स्वरूप आत्मा से भी परे। तुम अपने स्वरूप को पहचानो। तुम तो जीव भाव में फंसे हो, जीव भाव ही दुख का कारण है। सबसे महागंदगी जीव भाव का निश्चय है। ब्रह्म भाव में आ जाओ तो यही होगा कि इधर भी मैं हूँ उधर भी मैं हूँ, सब कुछ परमात्मा है। ऐसा निश्चय करो, अद्वैत में टिको। शांति भी तभी होगी जब तू अद्वैत में टिकेगा। हम भी देखो, जब अद्वैत में टिके तभी हमको शांति मिली। हमारा गुरु अद्वैत में था, तभी हम भी अद्वैत में। परमात्मा क्या है विचार करो। तुम मेरे को परमात्मा दूसरों के कहने से अभी मानते हो, परंतु जब खुद का जीव भाव नाश करेगा तभी तुमको परमात्मा वास्तविक निश्चय होगा। सब गुरु को तुम खिलाते हो तो वो तुम्हारी जैसी बातें करते हैं, पर तुम हमें लाख खिलाओ हम गाली ही देंगे। जब तक तुम्हारा मन अच्छा नहीं होगा हम गाली ही देंगे। ज्ञान में आने के बाद बोलो भगवान मन छोड़ कर जाते हैं। ज्ञान में आने के बाद बोलो भगवान मन छोड़ कर जाते हैं। तुम तो खाना पीना गुरु को देना चाहते हो, पर तुम वह ना दो मन दे दो तो तुम्हारा मन अच्छा हो जाएगा। आज गाली मिलती है तो अच्छे बनो, बाद में पता चलेगा इसका महत्व। तुम गुरु के सामने बालक बनो। आदर्श आदमी को अपने सामने रखो, विवेकानंद को सामने रखो। देखो वह कितना महान था। राम तीर्थ का उदाहरण देखो तो तुम भी ज्ञान में ऊपर चढ़ जाओगे। शांति बाहर से नहीं बल्कि अंदर से आती है, पर यह मन भूत शांति लेने नहीं देता, संतोष भी नहीं लेने देता। जब असंतोष मन में आए तो सड़क पर गरीबों को देखो तो पता चलेगा कि तुम कितने आराम में हो। तुम्हारी तो अच्छी हालत है फिर भी हंसी नहीं आती। मन में कोई भी ख्याल आए तब भी हंसो तो ही अच्छा रहेगा। हम घर बिगाड़ते नहीं बनाते हैं। हमने तो चिंता को विदा कर दिया है, कहाँ तक चिंता करें, भाड़ में जाए चिंता। सत्संग बोलने से कुछ नहीं होता। तुम गुरु के जरिए रिश्ता मानोगे किसी से तो कायम रहेगा। तुम गुरु को छोड़कर सीधा रिश्ता करोगे तो गुरु होने नहीं देगा। राम का नाम अंतरात्मा से लिया जाता है। जो गुरु भक्ति को जानता है उसके घर ही सत्संग होता है। जब गुरु का भय होगा तभी मन अच्छा बनेगा, मौन रहेगा। घर घर में जो झगड़े हो रहे हैं वे बोलने से ही हैं। हम हैं सदाबहार हीरो, दिन में भी राम राम रात में भी राम राम। जब हमको टाइटल मिली तो सदाबहार हीरो की ही मिली। तुम प्रसाद भी प्रेम से बांटो। मेरा प्रसाद खाना। देखो ये लोग दूर दूर से भूखे आते हैं खाते हैं, तो तुमको भी आराम मिलेगा। अपने संकल्प भाव में दृढ़ता से रहो। गुरु का बंधन बुरा लगता है लेकिन गुरु का बंधन जगत से छुड़ा देता है। मनुष्य ख्याल ज़्यादा करता है पर काम नहीं करता। अरे शरीर तो किसी का भी सदा अच्छा नहीं रहता। अंदर ज्ञान पाने के लिए गुरु की गुलामी करनी पड़ती है। गुरु की आज्ञा में राजा हरिश्चंद्र की तरह त्याग करते हैं ये लोग, तब इनके अंदर ज्ञान गया है। राजा हरिश्चंद्र के गुरु ने जो भी आज्ञा दी उन्होंने उसको शिरोधार्य किया। गुरु का नाम जपने से ही मन बस में होता है। रात दिन घर की गुलामी भक्ति करता और चाहता है कि ज्ञान हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। मन बेचे सदगुरु के पास तिस सेवक के कारज रास। अतः गुरु की भक्ति करने से ही ज्ञान होगा। गुरु भक्ति से ही मन वश में होता है। अपने आप से मन को वश में करने से नहीं होता, अपने आप से मन को वश में नहीं कर सकते। गुरु के प्रेम से ही यह मन वश में होता है। देखो तुम्हारे जीवन अपने हाथ अपने हट से करते हैं, उसमें ना काम नहीं बनता है, सत्य में टिक नहीं पाते। बहुत अच्छा अच्छा करते हैं, सब कुछ अच्छा है, ऐसा नहीं कि कोई खराब करते, लेकिन उस खराब में अच्छे में भी क्या है, हमारा भाव बना रहता है। मैं का हम व्रत कर रहे हैं, हम त्याग कर रहे हैं,
हम सत्संग कर रहे हैं, हम ये कर माए 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 गुरु जब भक्त कैसे मैं जाए, बस गुरु के विचार से चलते जाओ जीवन में, गुरु जैसा कह वैसा करते जाओ तो देखोगे अपने आप ही एक दिन ऐसा लगेगा कि सब तो मेरे लिए, मेरे ही मन से हो रहा है, मेरे मेरे ही भले के लिए सब हुआ। जो मन का नहीं भी हुआ वो भी मेरे भले के लिए, उसमें भी मेरा कल्याण, सच्चाई है। तो ये और फिर अपनी मैं से भी निकल गया संसार में, खेल में भी मजा, खेल में भी शांति और संतोष, और न मिलने पर भी शांति संतोष, और खेल में जो हो रहा है उसमें भी संतोष होता है, आराम होता है। भगवान का नाम तो तुम्हें सब तरफ से आराम देता है ना, एक तरफ से नहीं। बाकी देवी देवताओं को पूजो तो वो एक आराम देते हैं, ये हमारी मनोवांछित पल हमको देते जाते हैं और हम और शांत होते जाते हैं, और ज्यादा इच्छा वाले हो जाते हैं। लेकिन गुरु के पास रहने से तो धीरे से पता चलता है कि वो सब मनोवांछित ही है, कुछ है ही नहीं, मनोवांछित ही सब कर रहा है, लेकिन उसके विचार से इसे बंधन नहीं कारण बना, किसी भी कर्म का बंधन नहीं, मुक्ति का एहसास होता है कि जो कुछ किया, जो कुछ आज तक हुआ, सब तेरे विचार से हुआ है, तो कहीं भी अशांति नहीं अंदर में। लेकिन हाँ, अपने विचार से तो बहुत तकलीफ भी कभी हो जाती, कभी अच्छा भी होता है, दोनों ही बातें। तो गुरु के विचार से तो एक एक तो सबसे बड़ी बात होती है कि अपना ही कुछ रह ही नहीं जाता है, और दूसरे सारे उत्तरदायित्व तो उनका हो जाता है, जो कर रहे हैं, जैसा करा रहे हैं, शरीर के माध्यम से सब अच्छा लगेगा, सब में संतोष होगा। उसी तरह जैसे एक बहू करती है सास के कहने से, एक बेटा पिता के कहने से करता, तो उसको अपना खुद नहीं कुछ लगता है, जो कुछ मैं कर रहा हूँ, कर रही हूँ किसके बड़ों के वास्ते, तो उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही नहीं कि इसे सफलता मिलेगी क्या सफलता। लेकिन जब अपने विचार से करे तो सफलता असफलता दोनों का कष्ट तो है ही है, तो फिर तो कष्ट भी हो सकता है और वो भी हो सकता है, इसमें कष्ट कष्ट कुछ नहीं, इसमें आराम ही आराम है दोनों रहते। तो कहते हैं ना, दोनों जहां की दौलतें सब दी हैं आप, दोनों जहान की दौलतें सब दी हैं, दोनों जहान की तौलते कहीं, यहाँ भी शांति संसार में भी है, अंदर भी शांति, दिमाग में भी शांति और अंदर भी शांति। करना है, ये ऐसा है नहीं कि कर्म से छूट जाएंगे कहीं, सब जगह करना है, तो क्यों ना विचार से करते हैं, तो आराम कितना है उनके विचार से करने से। भाई मन से थोड़ी देर तो अलग हुए, अन्यथा मन ही मन की बस माला जप रहे हैं, ज्ञान भी ले रहे हैं तो मन ही मन की इच्छा, सब इच्छा इच्छा इच्छा, अपनी इच्छा में मरे, जरा सी इच्छा पूरी नहीं, जरा सा हो ना पूरा हो तो दूसरा एकदम दूसरे का दोष लगने लगता है। तो ये जो मन में दोष वृत्ति है, इसी को सब खत्म करता है धीरे धीरे, अपने विचार को चलना। अहंकार दो होते हैं, सूक्ष्म और स्थूल। एक भगवान के लिए आता है तो हम उसमें अहंकार को झाड़ देते हैं। गुरु की गाली से मन जलता है पर आराम में आता है। चंचल मन को गुरु ही वश में करता है। गुरु पहले अपने जाल में फंसाता है, फिर उसको सजा सवार देता है। प्रेम में मनुष्य गुरु की गाली भी सह लेता है और अच्छा बन जाता है। जिसने गुरु की सेवा दिल से की है वह कभी नीचे नहीं गिरा है। मेरा भक्त गरीब से अमीर बन गया है। भौतिक सुख तो मिले ही, ज्ञान ऊपर से मिल गया। चार पदार्थ जो कोई मांगे, साधु जना की संगत लागे। गुरु हर एक को जो उसकी शरण में आया माला माल कर देता है, ऊपर से ज्ञान से भी भरपूर कर देता है। तुम मुझसे सरल हृदय से रहो तो हर वस्तु मिल जाएगी। तुम्हारा पढ़ो पढ़ो।
तुम मुझसे सरल हृदय से रहो। तो मासी ये तो चीज़ ऐसी है कि संसार में भी यही नियम है, किसी से भी सरल हृदय से रहें, चाटुकारिता ना करें, एक सरल हृदय सच्चे बनकर रहें मासी, तो हर तरफ से प्यार मिलता है। ये केवल गुरु की बात नहीं है, गुरु ने कहा कि पहले हमसे कर लो, अगर एक बार अभ्यास सच में सच्चाई तक मैं पहुंचा दिया तो हर जगह से वही प्यार मिलेगा मासी, हर रूप से वही मिलेगा। वही करना चाहता हूँ ये मासी, ऐसा ज्ञान है, ये ऐसा है कि बड़ा प्रोफेशनल ज्ञान है, ये कोई ऐसी बात नहीं कि बड़ा ऊँचे लोगों का ज्ञान है, संतों का ज्ञान है, ये है कि व्यवहारिक ज्ञान है। हर किसी को ये चीज़ समझनी चाहिए कि हर जगह इसका फायदा है मासी। सही बात है, फायदे में फायदे के लिए तो है, बड़ा फायदे में बड़े स्वार्थी दे वाला स्वार्थ था, दे के स्वार्थ में लगे रहते, बस आपसे देखने को मिले, खाने को मिले, कान से सुनने को, पहनने को मिले, बस ऐसी स्वार्थ हमारे मान सम्मान होता रहे, वह इसी में छोटे फायदे मिलते, अब बड़े फायदे। ऐसा लगता है ना मासी, जैसे काला जादू कहते हैं ना, जैसे बंगाल में कुछ कहते हैं काला जादू, किसी का बाल काट लिया और फिर उसको अपने वश में कर लेते हैं। मासी ऐसा लगता है कि सच में वो ज्ञान मिल गया है, किसी को भी वश में कर सकते हैं। अभी जैसे छोटी आपको बात, जैसे अभी आपको बात बताई थी ये वाली कि कैमरा टेढ़ा था, तो मतलब बस गुरु पर छोड़ा, आँख खोली तो कैमरा सही हो गया, मतलब ऐसी छोटी छोटी बातें, तो मतलब वश में कर लिया ना मासी, प्रकृति को वश में कर लिया। बड़ी छोटी सी बातें ना भी होता तो मन बना लेते, कोई दिक्कत इसमें नहीं, गुरु ने दोनों तरफ का ज्ञान दिया है। ऐसे और एक दो एग्जांपल आपको दे देता हूँ मासी, पहली प्रैक्टिकल बात है। अब जैसे आप गुरु जयंती हुई थी, उसमें सबके वीडियो बने, आपका मासी बरेली का बना, एक कानपुर का भी वीडियो आ गया था, दिल्ली का भी आ गया था, तो ये सब मैंने डाल दिया था। अब ये शक्तिनगर का बच गया था, शक्तिनगर वाली आंटी कहीं आई नहीं, कहीं इन्वॉल्व नहीं हुई उस दिन, अगले दिन हालांकि उनके घर में होना था, तो हमारी मन ये था कि वो भी परिवार का सदस्य है, उनका भी होना चाहिए, आगे पीछे हो लेकिन होना चाहिए, मतलब बहुत प्यार था मुझे इस बात में कि वो भी होना चाहिए। अब जब उनके सत्संग में मासी पहुँचे तो हम बहुत आगे उधर बैठे थे, दूर बैठे थे, तो फिजिकली रिकॉर्डिंग करना मासी बड़ा अजीब सा लगता है, क्योंकि जैसे आप जब सत्संग में आए हो तो आप स्थिर बैठो, शांति में मौन रहकर बैठो, आप वीडियो बना रहे हो, तो ये क्रिया अच्छी नहीं लगती मासी। तो हमें भी मासी ये करना बड़ा ऑकवर्ड लग रहा था कि कैसे होगा, जूम पर तो आराम से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं मासी, हम ऑटोमेटिकली कर सकते हैं, लेकिन फिजिकली करना मासी क्रिया जैसी लगती है। तो हुआ क्या कि उन्होंने जब आरती करी, आरती आगे लोगों ने कर ली, हम पीछे बैठे थे, तो उसमें रिकॉर्डिंग भी नहीं कर सकते क्योंकि सब लोग सामने आ गए थे। एक आरती जो नॉर्मली ओम जय जगदीश हरे, इसमें कुछ नहीं हो पाया। फिर मासी क्या हुआ, होता नहीं भीड़ छट जाती है, कुछ प्रसाद बनाने चली जाती है, कुछ प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट करने चली जाती है, ऐसे कर रहे थे। तब उन्होंने कहा कि काफ़ी लोग बच गए हैं, एक आरती और होनी चाहिए। तब उन्होंने मासी ऐसा बोला, तो उन्होंने वाली करी, ये गाना है ना, उसे एक और आरती है, हर दे हार चन हार, याली जो आरती है तू भूलन हार, याली आरती। और मासी उसमें मुझे मौका मिल गया और कहा कि तुम भी अवसर लोग आओ जो बच गए हैं, हम लोग पीछे बैठे थे तो हम लोग आरती करी, तो हमने मासी थोड़ा सा साइड से बना ली, क्योंकि दृश्यमान था वो सीन, दृश्यमान था, थोड़ा सा बना लिया, मतलब जैसे मन में एक इच्छा थी। तो देखिए जैसे वो खुद बोल रहा है, क्योंकि आरती तो खत्म हो चुकी है, अब कोई बैट नहीं मिलेगी वहाँ पर, अब वो दिन चला गया, अब वो गुरु जयंती का पर्व है, हमको उनकी बैट चाहिए, तो बैट के लिए वो एक्टिंग करनी पड़ेगी ना मासी, वो लीला वो दृश्य पर आनी चाहिए। तो उन्होंने देखिए फिर से करा, तो भगवान ना बोले तो क्या बोले, भगवान है नहीं प्रकट मासी, तो ये काला जादू ही तो है कि मुँह से उगलवा लेगा, वो वही बात उगलवा लेगा जो आप चाहिए। बस अंदर में प्यास हो तो अपने आप प्रकट हो जाता है, सच्ची बात है, ये काला जादू से बड़ा जादू है। बिल्कुल। एक और इसी दिन की घटना और बताते हैं मासी। उस दिन मासी क्या हुआ कि प्रसाद शायद खा रहे थे, उसके बाद रंजा आंटी से बात हुई थोड़ी सी, मतलब ख्याति भी गई थी तो ख्याति का प्रसाद बच गया था, तो हम किसी काम में इन्वॉल्व थे, तो हमने रंजा आंटी से कहा, रंजा आंटी इसको रख दीजिए, हम टिफ़िन लाए हैं उसी में रख दीजिए, क्योंकि स्कूल से आई थी तो उसका हम टिफ़िन लेते आए थे मासी, उसमें कुछ खाना था घर का, तो हमने कहा वो हटा दीजिए उसको रख दीजिए, ऐसे कुछ कहा हमने। तो उन्होंने कुछ देखा तो एक व्यवहारिक ज्ञान दिया मासी, कहा कि ये प्रगति को बता देना, ये व्यवहारिक ज्ञान है और इसको प्रगति को बता देना ताकि वो ध्यान रखे। अच्छा ज्ञान था मासी, एक व्यवहार का था। तो हमने कहा कि हमने मेरे मुँह से स्वतः ही निकला, हमने कहा ये तो व्यवहारिक ज्ञान है तो सबको पता चलना चाहिए, आप ऐसा करिए इसको जूम पर बोल दीजिएगा, मतलब सुबह सत्संग आप रहती हैं तो ये सबको ही जानकारी हो, प्रगति को भी बता देंगे लेकिन ये सबको पता चलना चाहिए। अब देखिए मासी कभी आप नहीं बोलती हैं, अगले दिन आपने बोला कि रंजा आंटी कहाँ हैं, आए हैं सामने, ये अगले दिन की बात है मासी, ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं।
मतलब ऐसे कभी आप नहीं बोलती हैं कि खोजती हैं जैसे रंजना आंटी को, साल भर में एक बार भजन गाती होंगी, लेकिन अगले दिन ही आपने बोला कि रंजना आंटी कहाँ है आइए। तो मैं अगर उनकी जगह पर होता तो मैं महिमा गाता, क्योंकि मैं थोड़ा बच्चा हूँ ना, ज़्यादा महिमा बोलता हूँ, लेकिन वो मैच्योर है तो उन्होंने जो आपने आदेश दिया कि भजन गाओ तो भजन ही गाया। लेकिन ये महिमा है मासी सच में, कि ऐसे ही होता है मासी, आप जो बोलेंगे वो आपको दिखेगा मासी, ये सत्य मतलब दरबार की बात बता रहे हैं कि उनको आपने कहा रंजना आंटी, हमने बोला रंजना आंटी कल बताइएगा, तो उनको एक स्लॉट मिला। देखिए आप व्यास गद्दी पर है मासी, आप जिसको बोलने को कहेंगे मर्यादा यही कि वही बोलें, इमरजेंसी में सब लोग ना आए, बहुत इमरजेंसी के केसों को तो आप डिसाइड करेंगे हाँ इमरजेंसी थी इसको अलाउ करो, लेकिन आप ही कहेंगे उससे कि भाई आओ सामने, आज तुम्हारा OPD है, आज तुम्हारा नंबर है, तो आप डिसाइड करती हैं ना मासी। तो इतने समय के बाद आपने क्यों डिसाइड करा, क्योंकि ये कहा गया था एक दिन पहले कि आप कल बोलिएगा मासी, ये रंजना आंटी से बात हुई, ये बहुत अच्छा लगता, तो इसी को जादू हम समझते हैं, ये सच में जादू जैसा ही है मासी, गुरुद्वारे में जादू हमारे सजनी जो आप भजन गाती हैं मासी, जय सतगुरु। यही है भक्त, अपने आप ही देखते रहते हैं तो बस अपने उसमें ही लीन रहते हैं, वो दूसरे की जरूरत ही नहीं होती, अंदर ही अंदर वो खुद ही आशिक खुद ही माशूक बनाए रहते हैं, आराम में रहते हैं, देखते रहते हैं सत्य को, सत्य क्या है, सत्य में क्या क्या हो रहा है, सत्य से क्या क्या हो रहा है, आराम इसी में भक्तों को और ज्यादा भगवान पर विश्वास होता है, गुरु पर विश्वास होता है, क्योंकि अपनी हालत से ही तो जान पाते हैं, अपने मनोवृत्ति से ही निगाह, ये गुरु की दी हुई निगाह है, अपनी नहीं है, है गुरु की निगाह। तुम मुझसे सरल हृदय से रहो तो हर वस्तु मिल जाएगी, तुम्हारा वैराग्य मसानी है, जरा सामने की नहीं हुई तो गुस्सा आया तो जंगल भाग गया, और आकर कोई मनाएगा तो फिर वापस आ जाएगा। अरे वैराग भी बहुत कठिन है, माया ठगनी आकर ठग लेती है, परंतु सदगुरु की शरण को पक्की तौर से ग्रहण जो किए रहता है उसको घर में ही वैराग्य हो जाता है। जब मनुष्य सब ओर से हार जाता है तभी गुरु की शरण लेता है, अर्जुन ने जब तक भगवान की शरण नहीं ली तब तक कृष्ण ने ज्ञान नहीं दिया। मनुष्य अहंकार में रहता है तो किसी की शरण नहीं लेता, जब कष्ट में पड़ता है या फंसता है तभी किसी की शरण लेता है। गुरु के पास मन का तार जोड़ने जाना पड़ता है, ना हम किसी का खेत लूटें ना कोई हमारा खेत लूटे, हमारी खेती हरिनाम की खेती है, अपनी खेती को हम बिना परमिशन के हाथ नहीं लगाने देंगे, हम अपनी खेती किसी को काटने नहीं देंगे, हाँ हम भी किसी की खेती नहीं काटेंगे, हम दमदार होंगे हम अपनी खेती खुद काटेंगे। तुम्हारा अंतःकरण खेती और हृदय जमीन है, परमात्मा बीज है, हम तुम्हारे अंतःकरण में परमात्मा की खेती करते हैं तो उसकी रक्षा भी करते हैं कि कोई दूसरा खेती को नष्ट ना कर दे। हम लोग ही दुनिया को पकड़े हैं, कोई किसी को नहीं पकड़ता, हम समझते हैं कि जगत हमको पकड़े है, कोई किसी को नहीं पूछता, सत्संग करना कराना आसान नहीं होता, आदमी को पाप नहीं करना चाहिए नहीं तो बड़ा भोग भोगना पड़ता है। तुम भजन में आओ तो सावधानी से आओ, रोश जोश में नहीं आना चाहिए, तुम सेवा करके आते हो तो भी रोश में आते हो, भगवान तुमसे सेवा ले रहा है तुम्हारे लिए बड़े भाग्य की बात है, तुम सेवा के अहंकार को भी लेकर मत आओ, मन किसी भी हालत में प्रसन्न नहीं होता, तुम जब स्वयं जाग जाओगे तो सब जाग जाएंगे, तुम्हारे पास जब सब सुख वैभव होगा तो सब दोस्त तुमको घेरे रहेंगे, पर जब तुम कठिनाई में होगे तो सब भाग जाएंगे, पहचानेंगे भी नहीं। मनुष्य का मन इस बात को मानता नहीं जब तक वह ठोकर नहीं खाता, एक सच्चा होगा तो सब में सच्चाई आ जाएगी, एक घर का बड़ा पालेगा तो वह तुम छोटों को भी चाहेगा कि खजाना भर दो, तुम्हारे अंदर के तपन को तुम्हारा गुरु बुझा देगा, ये मोह की आंखें ऐसी होती हैं कि तुमको जब तक मुक्त नहीं होने देती हैं जब तक तुमको ठोकर ना मिले, ये मोह की आंखें ऐसी होती हैं कि तुमको तब तक मुक्त नहीं होने देती हैं जब तक तुमको ठोकर ना मिले, जिसमें तुम्हारी आसक्ति होगी उसी से तुमको ठोकर खानी पड़ेगी। गुरु बेपरवाह बादशाह है, वह तुम्हारे अंदर की प्यास को देखता है तभी वह तुमको दर्शन देता है, नहीं तो उसको कोई परवाह नहीं, यह सत्संग भाषा का नहीं अंदर की प्यास का विषय है, भगवान अंदरूनी बात से आता जाता है, तुम बुद्धि से ना सोचो कि भगवान आ जाए तो अच्छा है, अंदर का तार गुरु से जोड़ दो तो गुरु स्वयं ही आ जाएगा। जब गुरु के पास आओ तो भैंसे की तरह ना हो, लाख खिलाओ पिलाओ पर हम तो किसी की चलने नहीं देंगे,
जब तक तुम्हारा मन अहंकार में होगा हम तुमसे बात नहीं करेंगे। तन मन धन में सब में मेरी प्रधानता होनी चाहिए। जैसी प्रीत हराम में ऐसी हरि में होए। अतः तुम भगवान को कभी न्यून ना बनाना। मन बड़ी नाजुक चीज़ है, इसको बड़े जतन से बचा कर रखो। कभी भी अश्रद्धालु का संग नहीं करो, नहीं तो तुम्हारी वृत्ति को भंग कर देगा। हमेशा निरअहंकारी का संग करो, नहीं तो वृत्ति का नाश हो जाएगा। गुरु का संग करोगे तो वह तुम्हारी वृत्ति को ऊपर ले जाएगा। तुम्हारे लिए सीट रखी नहीं जाएगी, आगे बैठना है तो जल्दी आओ। तुम लोगों के मन में उत्साह नहीं है कि जल्दी जल्दी गुरु के दर्शन करने चले। एक शब्द, एक बात, एक झलक से आदमी खराब हो जाता है। तुम बातों से हमको नहीं जीत सकते, तुम अहंकार छोड़ो। उस आदमी का संग करो जो तुम्हारे मन रूपी घास को काटे, अच्छा बनाए। तुम उस व्यक्ति का साथ करो जो तुम्हारे मन को उसका साथ करने का मन करता है, जो जो है हमारे मन को पालता है। बोले काम जो है ना, मन के विपरीत चलने वालों के साथ को पसंद करते हैं, जबकि हम लोग को गुरु के विचार से, अपने विचार से नहीं, गुरु के विचार से उसका साथ करना चाहिए जिससे हमारा मन थोड़ा सा एंटी रहता है। होता उल्टा है, उसका साथ कहते हैं जो हमारी मिली मिली हमसे कहता है। गुरु जी के विचार को अपनाना कठिन तो है ये मन के लिए, लेकिन प्रेम हो जाता है तो कुछ नहीं है। प्यार हो जाए, श्रद्धा हो गए तो काम बनता है। देर से बने चाहे, लेकिन बनता है। प्यार हो जाए फिर उसमें श्रद्धा भी हो जाए, तो श्रद्धा से क्या होता है जो है बहुत जल्दी बात मान लेते हैं। हम जानते हैं हितैषी है हमारा, हितैषी करके प्यार नहीं हुआ होता प्यार फिर, लेकिन प्यार जब होता है तो फिर श्रद्धा भी धीरे धीरे समय पाके होती है, लेकिन हो जाती है श्रद्धा। और श्रद्धा है और प्यार ना हो तो उल्टी परिस्थिति में जो मन दिखाता है उसके कारण श्रद्धा भी जगमगा जाती है, क्योंकि प्यार तो है ही नहीं। प्यार में श्रद्धा जगमगाती है, लेकिन प्यार के कारण बार बार मजबूरी हमारी फिर हमको उधर ही फिर दिखाती भी है सब कुछ की आगे मजबूरी है। प्यार हो गया तो करा गया, प्यार से फिर धीरे धीरे सब पे दिखने भी लगता है तो बड़ी शर्म आती है, बहुत अंदर शर्म आती है कि देखो हमने कैसे मनमानी करी, हमने जो कुछ भी खोया वो अपनी मनमानी से खोते हैं। गुरु ने कभी नहीं हमको न तो गलत शिक्षा दी, हमेशा हर हाल में हमारे हमारे को अपने गोदी में ही उठाया, पक्का पक्का महसूस। सब काम वो करते हैं, हम तो कुछ नहीं करते, उसकी चला जले जले रथ को चला पक्की बात है। फिर भी हम विश्वास नहीं करते, फिर भी हम उसी बुद्धि पे विश्वास करते हैं। भूल जाता है। एक शब्द, एक बात, एक झलक से आदमी खराब हो जाता है। तुम बातों से हमको नहीं जीत सकते, तुम अहंकार छोड़ो। उस आदमी का संग करो जो तुम्हारी मन रूपी घास को काटे, अच्छा बनाए। तुम उस व्यक्ति का साथ करो जो तुम्हारे मन को काटे छाटे। स्वार्थी का साथ ना करो। अहंकारी का संग करोगे तो वह तो है ही अहंकारी, तुमको भी अहंकारी बना देगा। तुमको सेवा करना हो तो करो, ना करना हो तो ना करो, जाओ पर मेरे सामने अहंकार लेकर मत आओ। सेवा आदमी को कहाँ से कहाँ पहुँचा देती है, मनुष्य सोच भी नहीं सकता। जब तुम दिल खोलकर सेवा करते हो तो भगवान तुमको कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है, तुम देखकर हैरान हो जाओगे। सेवा एक ऐसी चीज़ है, हम सेवा करें और उसका अहंकार ना करें तो सेवा का फल अवश्य मिलता है। सेवा करने वाले को सेवा का अवसर अवश्य मिलता है। मनुष्य को हर काम के लिए तत्पर रहना चाहिए। गुरु जो कहे उसको तुरंत करने को तत्पर रहे तो संसार से मुक्त हो जाता है। सत्संग में आने वाले को बंधन में न खुद होना चाहिए और न दूसरे को डालना चाहिए। गुरु की गुलामी जगत की गुलामी से छुड़ा देती है। गुरु ने तुमको
निर्बंध कर दिया, तुमको मुक्त कर दिया। इसी तरह गुरु के निर्बंध करने से जगत के दुख से भी मुक्त रहेगा। जो गुरु की हृदय से सेवा करता है वह निर्बंध हो जाता है, उसको खुशी आ जाती है। सेवा करके भी यदि खुशी नहीं आती तो ये देखना चाहिए कि क्या कारण है। खुशी ना आने का कारण है कर्ता भाव करने का, जस मिलने की इच्छा। जो हृदय से निष्काम भाव से किसी की सेवा करता है तो उसका यश उसको अवश्य मिलता है। जो कर्ता भाव में रहकर सेवा करेगा उसको जस कभी नहीं मिलेगा। जब तुम अपने को दीन समझकर मिली सेवा का शुक्राना मनाओगे तो सोचोगे कि हम तो इस सेवा के काबिल भी नहीं थे, परंतु गुरु ने कृपा करके सेवा करने का अवसर दिया तो उसका फल अवश्य मिलेगा। तुम सेवा करने लायक कोई भी नहीं थे, भगवान ने कृपा करके तुमको सेवा दी, तो यह सेवा जो तुमने की वह भगवान की शक्ति से ही की। जो सेवा करके भी दूसरों के आगे झुक कर चलेगा तो सेवा का यश अवश्य मिलेगा। मछली पकड़ने जाओ तो पकड़ते पकड़ते फिसल जाती है, इसी तरह मन की भी हालत है। गुरु की सेवा करता रहे और किसी से राग द्वेष ना करे तो वह सेवा सेवा है। निरअभिमानता से सेवा करना बड़ी बात है, अतः निरअभिमानता से सेवा करनी चाहिए। सेवा करने पर जो भी मिले उसको प्रभु की कृपा मानो। पट्टी पर पहले के जो हरूफ हैं उसको पोछना पड़ेगा, तब दूसरे अक्षर लिख पाएंगे, अतः जो पहले की लिखा पढ़ी है उसको मिटाना पड़ेगा गुरु के द्वारा। उस स्वर को पाने के लिए ही गुरु जल्दी करता है, गुरु ऊपर पहुंचाना चाहता है पर हम लकीर के फ़कीर ही बने रहते हैं। गुरु उनको मिटाना चाहता है पर तुम कुछ भी मेहनत नहीं करना चाहते। अपने मन को गुरु को सौंप दो, अपने मन को गुरु को सौंप दो, वह चाहे जैसा करे। जैसे धान को ओखली में बार बार डालना पड़ता है, कूटना पड़ता है तब कहीं चावल मिलता है, इसी तरह धान के ऊपर मन का आवरण चढ़ा है, उसके अंदर शुद्ध अंतःकरण है। जब गुरु मन को कूट कूट कर साफ करेगा तब अंतःकरण रूपी चावल निकल आएगा। तुम्हारे अंदर मन भूत के विकार पड़े रहते हैं, गुरु उन्हीं को मार मार कर निकालता है। देखो जिसके जितने भूत गुरु ने निकाल दिए हैं वह आनंद में है। प्यार तो सबसे होता है माँ बाप का, पर फिर भी जो सरल स्वभाव का होगा उससे प्यार स्वतः ही हो जाता है। इसी तरह गुरु भी सबसे प्यार करता तो है, पर जो गुरु की हर तरह से मानता है उस पर गुरु का प्यार स्वतः ही हो जाता है। जब तुम्हारा प्यार जन जन से होगा तो गुरु भी तुमको खूब प्यार करेगा। गुरु भी समझता है कि गुरु से कौन स्वार्थ से प्यार करता है और कौन निस्वार्थ भाव से। वह गुरु नहीं करता है, वह तो करता है, वह तुम्हारे अपने स्वभाव के हिसाब से तुम्हारा काम करता है। गुरु तुमको जितना जितना अपना समझता है उतना उतना वह तुम्हारी गलती देखकर टोकता है और तुमको अच्छा बना देता है। तुम बोलते बहुत हो, कम बोलो, बोलने से ही टंटा खड़ा होता है। एक भक्त को पक्का अनुभव हुआ कि जब विपदा आती है तो लाख प्रयत्न करने पर जब वह नहीं टलती तो गुरु का ही सहारा काम आता है। उस भक्त का अनुभव यह है कि वह रात को एक जगह फंस गया, उसकी गाड़ी कहीं फंस गई, लाख यत्न करने पर भी वह नहीं चल रही थी। अंत में हार कर उसने गुरु जी को याद किया और उसकी गाड़ी चल पड़ी। वह भक्त यह महिमा बताते बताते आत्मविभोर हो रोने लगा। उसकी अश्रुधारा बता रही थी कि वह कितने शुक्राने और महिमा में डूब गया था। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मय श्री गुरुवे नमः। जो गुरु को हृदय से मानता है पकड़ता है उसी दिन से उसका भाग्य खुल जाता है, ना मिलती हुई चीज़ भी मिल जाती है। गुरु नामदाता मेरी संपदा है, चार पदार्थ जो कोई मांगे साधु जना की संगत लागे। यदि किसी को चार पदार्थ चाहिए तो गुरु के साथ निःसंकल्प होकर रहे तो देखना जीवन कैसा होता है। आनंद भक्ति धन वैभव सब भर जाएगा, मांगना भी नहीं पड़ेगा। जब मनुष्य सब तरफ से हार जाता है और हृदय से पुकारता है भगवान को तब भगवान झट सुनकर आ जाता है, परंतु ऐसी पुकार चीख वाली पुकार जल्दी निकलती ही नहीं तो चीख भरी पुकार निकलती है तो भगवान भाग कर आता है, समय भी नहीं देता। जब तुम्हारा मन प्रभु के लिए पीयू पीयू करेगा तो उसको बुलाना भी नहीं पड़ेगा, वह स्वयं आ जाएगा। हम जब भगवान में लगे हैं, सच्चाई में लगे हैं, तो कौन हमसे नाराज होगा। कबीर के घर में कुछ नहीं था, भगवान ने ऊंट पर सामान लादकर पहुंचाया। वह कहानी तो पुरानी हो गई, मुझे भी एक ऐसा अनुभव हुआ। जब मेरे घर शादी हुई तो कितने लोग आए पर किसी चीज़ की कमी नहीं हुई, जितना खाते थे उतना ही बढ़ता जाता था। अतः भगवान के प्रेम में जो रहता है भगवान उसका घर भर देता है, किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने देता। इतने मेहमान आए थे कि कमी पड़ सकती थी, पर हम भगवान में लीन थे, उसी पर निर्भर थे, तो उसने यहाँ कमी नहीं की।
तुम भी पूर्ण रूप से भगवान पर निर्भर होकर देखो तो हम तो भगवान पर पूरा भरोसा रखते ही नहीं, बस चिंता करते रहते हैं। भगवान यहाँ का यही ही देता है, जो गुरु का नाम लेता है वह उसका काम पूरा करता है। जैसे जिस औरत का बेटा उसे ना रुलाए तो उसका मुंह छूट ही नहीं सकता, बेटा चाहे जितना सताए पर फिर भी मोह नहीं जाता। ये मन बड़ा दुष्ट है, जो हालत है उसमें खुश नहीं होने देता। जो भी हालत होती है उस हालत में खुश होकर जीना ही हमारा ज्ञान है। हालत तो कर्म के अनुसार आती ही रहती है, चाहे पाताल तक के पाप हों उनको सहना ही पड़ता है, पर हर हालत में शांत रहना चाहिए। शोर करने से कोई फ़ायदा नहीं, अंदर तो सबके ज्वाला जलती है पर उसको भी खामोशी से सहना तुम्हारा काम है। यही हमारा ज्ञान है, हर हालत में तुम खुश रहो। तुम्हारा जिससे जिससे जो जो कर्जा है उसको चुकाना पड़ता है। बेटा बेटी असली कर्ज चुकाने वाले संबंधी हैं। दूसरे का कर्जा हम भले ही ना चुका पाएं पर बेटे बेटी का कर्जा तो हम प्यार आसक्ति और मोह के वशीभूत होकर चुका ही देते हैं। इसमें पत्नी भी होना चाहिए बस, इसीलिए कर्जा चुकवाने वाले वो जो तुम्हारे साथ ऑफिस में काम कर रहा है, तुम्हारे साथ में घर में है काम कर रहे, वो जितने भी है आया जाने वे इलेक्ट्रीशियन भी सबसे तुम्हारा लेन देन है। सही बात, इसलिए कर्जा चुकवाने वाले बेटी बेटी के रूप में लोग आते हैं। गुरु की सेवा जो हृदय से करता है उसी को सच्ची खुशी मिलती है। इंसान परिस्थितियों से घबराकर मरने की सोचता है, पर ऐसा संकल्प ना करो, हालत में खुश रहना सीख जाओ, मरने का संकल्प छोड़ दो। तुम घबराते हो बेटे बेटी की शादी कैसे होगी, अरे सब भगवान पर छोड़ दो, तुम तो परेशानी में भी अकड़ नहीं छोड़ते। आज कहीं काम मिलता है तो बेइज्जती समझकर नहीं करते हो, अब भूखे मरने से क्या फ़ायदा। हमारे हिंदुस्तान में यही कमी है, नाक बड़ी ऊंची है भले ही भूखे मरे। कैसे गुरुजी खुल के बोलते जैसा गुरुजी। गरीबी गरीबी इसीलिए नहीं जा रही है क्योंकि एक मासी निधि दिन बड़ी अच्छी बात कही थी अभी, जैसे क्या कहा तो उन्होंने, ये बात शायद आपको पता हो कि उनकी जो कंट्री है नीदरलैंड में रहती हैं, उन्होंने ये बताया कि उनके यहाँ जब कोई मेहमान आता है तो वो खुद अपने बर्तन धोता है, ऐसा वहाँ रूल है। मतलब हमें नहीं पता था, मतलब वो आता है तो अपने बर्तन धोकर जाता है, ऐसा नियम है, हर कोई ऐसा करता है। तो जैसे हम समझते हैं कि ये बड़ा वैसा काम है ना, लोली काम है ये काम, जैसे नहीं ये मेड को करना चाहिए, हम लोग सोच ही में ऐसा है, स्टीरियोटाइपिंग ऐसी है। मतलब नॉर्मल रहो, मतलब ठीक है ना, इसको घृणित काम समझो ना इसको अच्छा समझो, इसमें वाहवाही भी मत लूटो, नॉर्मल रहो, है तो सामने कर दो ना हो तो ना करो, ऐसा जो समता वाला ज्ञान गुरुजी ने दिया। तो आज देखा, देखिए विदेश में जिसको बड़ा अच्छा मानते हैं कि बड़ी अच्छी, और उसकी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जैसे होता है नीदरलैंड फिनलैंड ये सब की काफ़ी अच्छी है, मतलब अगर आप SDI में देखें तो नंबर वन पर ही रहते हैं हमेशा, ये सारी कंट्रीज इधर की नॉर्वे की कंट्रीज, तो वहाँ के लोग ऐसा कर रहे हैं और खुश भी हैं। जो खुशी का सूचकांक है उसमें मासी बहुत ऊपर ये सब रहते हैं राष्ट्र। तो हम लोग देखिए कैसे सोच मतलब ऐसी है कि हम इसको घृणित काम समझते हैं और इसी पर ही रहता है, अरे ये कर देगी ये मेड आती है भाई हमारे यहाँ, मतलब बड़ा अभिमान के साथ, मतलब अरे अरे कर छोड़ो मैं अभी मेड आएगी शाम को आएगी भाई क्यों कर रहे हो, मतलब इसमें बड़ा लग रहा है कि बड़ा अपनत्व है भाई तुमसे। नीदरलैंड बहुत छोटी कंट्री है, नीदरलैंड बहुत छोटी कंट्री है, छोटी है लेकिन अपना हिंदुस्तान नहीं है, हिंदुस्तान का चौथाई भाग भी नहीं है वहाँ। कोई बात नहीं, नीदरलैंड ऐसा है, सभी कंट्री यहाँ हिंदुस्तान की कहाँ बात कर रहे हो। नहीं हिंदुस्तान को हम छोटा नहीं कह रहे हैं, हम छोटा नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि आप इंस्पायर तो होते हैं ना, आप अच्छी अच्छी कंट्रीज़ को देखकर इंस्पायर होते हैं ना कि हाँ ऐसा होना चाहिए, ऐसा कहते हैं। हम लोग की जो अच्छी चीज़ें हैं उसकी तो वो कंपैरिजन है ही नहीं है, वहाँ पर वैसी चीज़ें उपलब्ध भी नहीं है, लेकिन बहुत चीज़ों से हम इंस्पायर होते हैं, अच्छी चीज़ों से को जरूर लेना चाहिए, कहीं पर कोई अच्छा कुछ कर रहा है गुणग्राहक दृष्टि होनी चाहिए। अगर कोई राष्ट्र के अंदर कोई गुण है तो हम उसको ये ना कहें कि हम बड़े ही हैं, हम अभिमान में रहेंगे अरे हम तो बहुत बड़े हैं, हमारा उत्तर प्रदेश हमारे उत्तर प्रदेश के बराबर हो या फिर हमारे बिहार के बराबर हो, तो ये कहना गलत होता है कि बहुत छोटे हो तुम। वो छोटा भी देश है लेकिन अगर अच्छा कर रहा है तो उससे गुण लेना चाहिए, हम तो ऐसे समझते हैं। तो मासी वो इंसान अच्छा। इंसान समझते हैं, हाँ। वहाँ सब बिजी होते हैं ना, चक्कर ये सब बिजी होते हैं,
और यहाँ पर साधन है। नहीं वहाँ प्रॉब्लम मालूम होती है कि दूसरे को भी ऐसे जाना है, दूसरे को करना है, तो एक दूसरे का सहारा बनते हैं और कुछ नहीं। यहाँ मालूम है सब साधन है, हो जाता है। नहीं, दोनों गलत नहीं मासी, हम कह रहे हैं, हम कह रहे हैं मेड से भी कराओ, वो भी समता की बात बता रहे हैं। मतलब इसको नीचा ना समझे। हाँ, नीचा नहीं समझे, मतलब बिल्कुल समान में रहे, मतलब बड़ा कैजुअली करें, जैसे हम ब्रश करते हैं वैसे बर्तन धोते हैं, जैसे ब्रश करते हैं जैसे रोज के काम करते हैं वैसे, मतलब बड़ा इसको सिंपली ले, कोई कर भी रहा है तो उसको हाँ ऐसा ना एक्सप्रेशन दें, है ना, जैसे हम लोग फोबिया ऐसे नहीं कहते हैं कि टैबू, टैबू जैसे वर्ड होता है, मतलब ये टैबू, ये तो मतलब समाज के सामने दिखना नहीं चाहिए, ये छुपा करो, ये जो टैबू है मासी, इस टैबू से गुरुजी निकालना चाहते हैं, बहुत से टैबू से निकालना चाहते हैं, हजारों टैबू से निकाल दिया है, लेकिन ये भी एक व्यवहारिक चीज़ है, इसको बड़े व्यवहार की तरह कैजुअली करो। तो ये हमने अभी खुला मासी, अभी निधि इस बार आई थी लखनऊ, तब उन्होंने बात बताई, तब हमें पता चला और हमें अच्छा लगा, हमें लगा कि देखो ये गुरुजी का ज्ञान है, और आप ऐसे भी कह सकते हो कि देखो हर जगह ये ज्ञान फैला हुआ है, ऐसा नहीं कि जब गुरुजी ने बताया तो खुला, जैसे बस हो रहा है ऐसा हर जगह, हमने ही उसको नहीं माना। मैं नेदरलैंड्स जाऊंगी तो डिस्पोजेबल लेके जाऊंगी, धोऊंगी नहीं, बट नहीं जद्दा में भी ये होता था, जब सब आते थे अपने आप सब निपटावा के जाते थे, नहीं हम डिस्पोजेबल ले जाएंगे, धोएंगे नहीं। कपड़े भी धोने पड़ते हैं अपने, तो कपड़े भी डिस्पोजेबल ले जाएंगे क्या? आप कहाँ चले जाते जब आपसे पढ़ने के लिए? अरे हमारी वो लाइट चली गई और इन्वर्टर भी टू टू करने लगा, सब चला गया, और चार्जिंग भी नहीं थी उस समय, हमने कहा अरे ये क्या हो गया। एक भजन गा दिए विनु बाबा, आपको स्लॉट मिला है आखिरी में, थोड़ा सा 2 मिनट का है, आप गाइए। विनु का हैप्पी बर्थडे है। इसका विनु का Vinu, Vinu. Happy birthday. Happy birthday, Vinu. Happy birthday. Happy birthday, Vinu. Happy birthday. Happy birthday, Vinu. Happy birthday. 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 Thank you. Thank you, everybody. Happy birthday, Vinu. Thank you, thank you, happy, happy birthday. Very, very happy birthday. मुबारक भाभी, जय गुरु, हैप्पी बर्थडे भाभी।